2014 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मायावती पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले नाहिद हसन, 2017 से पहले एक धर्म विशेष के खिलाफ बयान देने के लिए जाने गए, इसके बाद भी रुके नहीं, कोरोना काल में भी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को उकसाने की कोशिशें की, खुलेआम की, पुलिस को धमकियां देते हैं, बिगड़ैल जबान है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस बिगड़ैल विधायक नाहिद हसन पर आज तक समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विजय जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जीत होगी। योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। यहाँ के रहने वालों का राज चलेगा, ना कि दो कोड़ी के पुलिस वाले या अधिकारी जो है भाजपा के, जितने भी लोग जो यहाँ बैठे हैं इनसे सामान लेना बंद कर दो, 10 दिन 1 महीना। तो पुलिस की एकड़ी से जो है, जो गरीब आदमी को तुम सता रहे और डरा रहे, जो पीड़ित लोगों को जो है तुम जेल भेज रहे, दलाली तुमने खुली कर रखी है। नाहिद हसन उसी कैराना से समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो 2017 चुनाव से पहले सुर्खियों में रहा था। यहां आपको ये समझना है कि 2013 मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना में हिंदुओं का पलायन, यही दो मुद्दे हैं जिसने पश्चिमी यूपी यानी जाटलैंड के सियासी समीकरण को बदल दिया। सबसे पहले दोनों मुद्दों के बारे में बताते हैं। मुद्दा नंबर एक, मुजफ्फरनगर दंगा। 2013 में छेड़खानी पर शुरू हुआ दो समुदायों के बीच विवाद दंगों में बदल गया। इस हिंसा और दंगे में कई लोगों की जान गई। मुद्दा नंबर दो, कैराना पलायन। 2016 में कैराना में कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया था, ये घर बिकाऊ है। उस वक्त कैराना से तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाया था। आरोप यही कि कुछ माफियाओं के दम पर हिंदुओं को कैराना से पलायन के लिए मजबूर किया गया। ये दो मुद्दे पश्चिमी यूपी के चुनावों में हावी नजर आते हैं। यही वजह है कि नाहिद हसन के टिकट पर सियासी बवाल मचना तय था। भले ही मुजफ्फरनगर दंगों के बाद नदी का पानी काफी बह चुका है, लेकिन अखिलेश बहुत संभल कर चुनावी कदम रख रहे हैं, क्योंकि दंगों की कालिख अभी मिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दोनों मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को घेरती आई है। पश्चिमी यूपी में कैराना पलायन का मुद्दा तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप दोहराती आई है। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे, और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी यूपी में पलायन का मुद्दा उठाया था, तो वहीं योगी से लेकर शाह तक कैराना का रिपोर्ट कार्ड पेश करना नहीं भूलते। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये वही प्रदेश है जहां पर दंगों का एक लंबा सिलसिला चला था, जहां पर सत्ता के संरक्षण में पाए हुए अराजक तत्वों के द्वारा कैराना और कांधला जैसे कस्बों से, दर्जनों ऐसे कस्बे थे जहां पर व्यापक पैमाने पर बहुसंख्यक हिंदुओं को और व्यापारियों को वहां से प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज हमें 24 महीने के अपने कार्यकाल को पूरा करते समय इस बात की प्रसन्नता है कि हमने प्रदेश के इस परसेप्शन को बदला। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खोल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था, यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई। कहे पर कुछ हफ्तों पहले ही योगी ने कैराना से पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात की थी, पलायन के लिए मजबूर किए गए परिवार वालों से बात की थी। जब हम लोग गलत व्यक्ति से घबराते हैं,
उसका तो साहस बढ़ता है। निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने की मंशा के साथ उसका प्रयोग होता है, उसकी हिम्मत नहीं होती फिर वो कुछ कर सकता और हिम्मत से काम परिवार का। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड में कैराना पलायन को रोकने में फुल नंबर देती हुई नजर आई। कैराना पलायन के आरोपी कई गैंगस्टर मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। ऐसे में पलायन के घेरे में खड़े नाहिद हसन को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने नई मुसीबत मोल ले ली है। यही वजह है कि नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बनाने को लेकर अखिलेश अब बैकफुट पर है। चर्चा यही है कि डैमेज कंट्रोल के लिए अखिलेश परिवार के किसी और सदस्य को टिकट दे सकते हैं। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। अखिलेश को ये क्यों बोलना पड़ा अब ये समझिए। दरअसल नाहिद हसन का विवाद में रहने का सिलसिला बहुत पुराना है। जिस वक्त नाहिद को टिकट देने का ऐलान हुआ उस वक्त वो एक मुकदमे में वांटेड चल रहे थे। और तो और कैराना कोतवाली समेत कई थानों में नाहिद के खिलाफ 2 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। सीओ और एसडीएम से बदतमीजी के आरोप में दर्ज मुकदमे में तो उनकी फरारी की मुनादी तक कराई गई थी। करीब 11 महीने पहले कैराना कोतवाली में विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन फरार चल रहे थे। अगर नाहिद की क्राइम कुंडली देखें तो करीब 17 FIR दर्ज है उनके खिलाफ। नाहिद के कई करीबी कैराना पलायन के आरोपी हैं। कैराना के कई माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप है। नाहिद हसन के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप है। नाहिद के खिलाफ पुलिस वालों को धमकाने का मामला दर्ज है। नाहिद हसन के खिलाफ चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप है। नाहिद पर जमीन हड़पने का मुकदमे दर्ज है। नाहिद के खिलाफ नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। फिलहाल नाहिद गैंगस्टर एक्ट के तहत सलाखों के पीछे हैं, लेकिन वो सभी मुकदमों को सियासत से प्रेरित होने का आरोप लगाते हैं। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। पश्चिमी यूपी में कैराना पलायन का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। क्या नाहिद का टिकट काट कर अखिलेश डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब होंगे? आज तक ब्यूरो।